हे फ्रेंड, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए फ्रेंड आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज मैं एक्सप्रेशन देने वाली हूँ सनशाइन ऑफ माई लाइफ, जो कि मैंने 1, 2, 3 एक्सप्रेशन दे दिए फ्रेंड। जिन्हें नहीं पता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एपिसोड 3 के एंड में देखा था एम्ब्रॉयड लेडी किस तरीके से फी को मनाती है टैंक के साथ काम करने के लिए, ताकि एम्ब्रॉयड वर्कशॉप ज़्यादा ऊंचाई हो, उसका भी नाम हो, क्योंकि वहाँ हुनर बहुत थे, बस नाम बिल्कुल नहीं थे फ्रेंड। जिसके वजह से वो फी को बोलती है और बोलती है कि तुम्हारा सपना जो है लंदन स्कूल में फैशन डिज़ाइनर का, वो भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत गुड पर्सन है गुड लुकिंग के साथ, तो तुम प्लीज़ वहाँ ज्वाइन करो। यहाँ पर ये सीन कट होती है फ्रेंड। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फी बैठी होती है चेयर पे, वहाँ पे वो ड्राइंग कर रही होती है और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वो ड्राइंग कर रही होती है। और सडनली वहाँ पे टैंग आता है अपनी ब्लैक गाड़ी में। वो दूर से देख रहा होता है कि अपने काम पे कितनी डेडिकेटेड है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देख रही है, वो बैठी हुई है एकदम फोकस करके, तो उसे रहा नहीं जाता है। कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे पास जाके उससे बात करता हूँ। तो वो अपनी गाड़ी से उतर के फ्रेंड आता है। उसके बाद तो फिर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे? तो टैंग बोलता क्यों तुम्हें एम्ब्रॉयड लेडी ने नहीं बताया है क्या कि मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ, या फिर यूँ कहो कि तुम मेरे साथ काम करने वाली हो? तो फिर बोलती है कि हाँ हाँ मैम ने मुझे बताया था, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? तो फिर बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड फी छुप छुप के देखती है टैंक को, और टैंक भी छुप छुप के फी को देखता है। दोनों में बस फिर इम्प्रेशन बिल्कुल नहीं होता फेस पे, क्योंकि वो दोनों बताना ही नहीं चाहते हैं कि समथिंग समथिंग दोनों के दिल में कुछ है। टैंक बोलता है कि काफ़ी लेट हो गया, चलो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो फिर बोलती है ठीक है। दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में। टैंक बोलता है तुम्हें मुझे एम्ब्रॉयड का काम बहुत ही अच्छे से सिखाना होगा। तो फिर बोलती है ऐसे ही तुम्हारा इतना बड़ा फैशन डिज़ाइन का शोरूम है और कितना सीखोगे? तो बोलता है कि नहीं तुम्हें सिखाना है। तो बोलती है ठीक है एक शर्ट पे। तो टैंक बोलता है अब वो क्या शर्ट है? फिर बोलती है कि तुम्हें मुझे चिकन का लेग पीस बहुत सारा खिलाना होगा। तो टैंक हंसने लगता है फ्रेंड, कहता है कि मैं अनलिमिटेड खिलाऊंगा, तुम चलो तो मेरे साथ पहले। उसके बाद फिर बोलती है ठीक है। फिर वो गाड़ी से उतर जाती है, बोलती है ठीक है हम लोग कल मिलते हैं। उसके बाद जैसे वो जा रही होती है फ्रेंड, तभी वहाँ पर वो अपने बैग में कुछ सामान खोजने लगती है, और ये सारी चीज़ें टैंक देख रहा होता है। तभी टैंक की नज़र पड़ती है डिलीवरी बॉय पे, जो कि फी को काफ़ी गौर से देख रहा होता है। और वो देखते ही देखते जल्दी से उतरता है गाड़ी से और उसे ज़ोरदार हक्कल लेता है। उतने में डिलीवरी बॉय उधर से कट के चला जाता है। वहाँ पे फ्रेंड स्लो मोशन हो जाता है। यहाँ पे फी कुछ समझ नहीं पाती है, वो टैंक का फेस देखती है कि एक्चुअली में कर क्या रहा है। तो वो हटती कहती है कि क्या कर रहे थे मिस्टर टैंक आप? तो टैंक बोलता है अरे मैं कहाँ कुछ कर रहा था, वो तो वो डिलीवरी बॉय तुम्हें धक्का देने वाला था जिसके वजह से मैंने तुम्हें बचाया, उल्टा तुम मुझे कह रही हो। तो बोलती है यहाँ पे फी ये तुमने मुझे बचाया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे हक कर रहे। टैंक बोलता है क्या मैं तुम्हें क्यों हक करूँगा? फिर बोलती कि हाँ वो क्यों मारेगा, वो उसका काम है इधर से जाना, वो मेरे घर के बगल में रहता है, लेकिन वो क्यों मारेगा मुझे? बोलने लगती कहती ठीक है मैं जा रही हूँ बाय बाय। उसके बाद टैंक यहाँ पे खड़ा होकर चुपचाप से मुंह बना के देख रहा होता है फ्रेंड। फिर बोलता है कि जब इतना दूर आ गया तो मुझे अपने घर नहीं दिखाओगे? और जबरदस्ती फ्रेंड वो घर घुस जाता है फी के। उसके बाद ऊपर आती है, देखती है यहाँ पे फी बोलती है कि यही है मेरा छोटा सा घर। तो टैंक बोलता अच्छा बहुत ही अच्छा घर है ये तो तुम्हारा, वहाँ एक टेडी बेयर रहता है। वो टेडी बेयर को देता है, बोलता है कि फी देखो ये तुम्हारे तरह। और वहाँ पे एक और टेडी बेयर रहता है फ्रेंड, वो एक लड़का वाला रहता है टेडी बेयर और ये क्यूटी वाले रहता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रख देता है। और फिर यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ये अपनी सारी सिचुएशन बता रही होती है फी कि मेरा भी शौक है ड्रीम है बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, जिसके वजह से मैंने एम्ब्रॉयड वर्कशॉप ज्वाइन किया। वहाँ की मैम बहुत ही अच्छी है, बहुत केयर करती है मेरा, और जितना हो सकता है वो मुझे पेमेंट करती है, बट इतना भी है मेरे भाई का भी है, उसे भी देना पड़ता है, वो भी मॉडलिंग करता है। वो सारी चीज़ें टैंक को बता रही होती है। तो टैंक बोलता है कि क्या हुआ, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। फिर बोलती है मैंने हर फील्ड में काम किया बट मेरा अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो टैंक बोलता है टेंशन मत लो मैं हूँ ना, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यहाँ पे वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा टैंक बहुत बड़े घर पे खड़ा होता है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत घर होता है।
और वो वहाँ पे फी आती है, कहती कि तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हुए। तो टैंग बोलता है मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फी बोलती है क्या तुम्हें क्राउड पसंद नहीं है? तो फैशन डिजाइनर में तो अक्सर पार्टी वगैरह होता रहता है, सारे क्राउड मिलते हैं, फिर मीटिंग कैसे करते हो तुम? तो टैंग बोलता है वो मेरा काम है। फी बोलती है ओह वो तुम्हारा काम है? तो टैंग बोलता है हाँ वो मेरा काम है, जिसके वजह से मुझे लोगों के बीच जाना पड़ता है, वरना मेरा बिल्कुल मूड नहीं रहता है। और फी बोलती है मुझे तो बहुत पसंद है पार्टी अटेंड करना, इतने सारे लोगों के बीच में रहना, काश मैं तुम्हारी जगह होती। यहाँ पर टैंग हंसने लगता है, कहता चलो सारे लोग देख रहे हैं तुम्हारा, वेट कर रहे हैं। जैसे ही जा रही होती है दोनों साथ, तो एक लेडी आती है, कहती है फी मैम प्लीज़ आप चलिए, काम है मुझे आपसे बहुत ज़रूरी, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे फैशन डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा होता है ड्रेसेस का, तो वहाँ पे किसी लड़की का ड्रेस ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा, फैंग नाम का जो लड़का है फ्रेंड, यानी कि फी का पहला वाला बॉस, वो खड़ा होकर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसके बाद वो आती है, कपड़ा ठीक कर रही होती है, तो एक लड़की अचानक से चिल्लाती है बेचारी पे कि तुमने मेरा ड्रेस खाया, तुम्हें नहीं पता अभी मुझे जाना है लोगों के बीच, अभी मुझे अपना फैशन डिज़ाइनर दिखाना था, तुमने क्या कर दिया? काफ़ी चिल्लाने लगती है। फिर बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है वो देखो इसने मेरे कपड़े को इतना टाइट कर दिया कि ये फट गया। तो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इतना बोलो मत तुम। उसके बाद बोलती है टूल लाओ और यहाँ पर मुझे स्टिचिंग करने का मिलेगा धागा। तो वहाँ पे वो लड़की बोलती है हाँ मैम आप बैठो मैं लाती हूँ, फिर वहाँ पे स्टिचिंग दे देती है। और फ्रेंड ये तो एम्ब्रॉयडरी की बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी तो करती ही थी फिर। और उसके बाद देखते ही देखते वो इतना खूबसूरत वहाँ पे फ्लावर बना देती है, सेम उसके ड्रेस में जो एम्ब्रॉयड था फ्रेंड वैसे ही वो फटे वाली स्पेस में बना देती है। और यहाँ पे फैंग आके देख रहा होता है फिर को, बोलता है कि वाह क्या तुम्हारी कारीगरी है, टैलेंट को तो दाद देनी पड़ेगी। बोलती है थैंक यू। यहाँ पे वो एकदम लगी होती जल्दी जल्दी काम करने के लिए फ्रेंड, और यहाँ पे फैंग उसे देख रहा होता उसके काम को कि वो कितना अच्छा काम कर रही होती है। उसके बाद बोलती है कि देखो हो गया ये तुम्हारा, और हाँ दूसरे को गलतियाँ मत दो, चिल्लाओ मत, ठीक है ना, पहले खुद को देखो तुम उसको कितना फ्रस्ट्रेट कर दी थी कि उससे गलती से हो गया, किसी को भी समझो इंसान है वो, तुम आगे जा रही हो वो लो में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस पर चिल्लाओगी बेवजह, ये बोल के वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही फनी सीन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं तो टैंक के बगल में फी बैठती है और फैंग दूसरे साइड बैठता है, फैंग भी एक इंसान से एक्सचेंज करवा लेता है फ्रेंड सीट और वो भी फी के बगल में बैठ जाता है। कभी फैंग फी से बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था, कभी टैंक बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था फी से, मतलब बीच में थी फी फ्रेंड, और कभी वो उसको देख रहा कभी वो उसको देख रहा। और फिर यहाँ पे टैंक काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर फी से वो इतना क्लोजली बात क्यों कर रहा, और वो तो उस साइड बैठा हुआ था, तो फिर वो उसे क्या हुआ जो वो फी के बगल में आके एक्सचेंज करके सीट बैठ गया। ये अपना सोच रहा होता है टैंक, और टैंक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि फी उससे बात कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड टैंक है हमारा मेल लीड और कहीं ना कहीं उसे तो प्यार हो ही गया है, लेकिन अपने लव फॉल में वो इस तरीके से गिरा है बट बता नहीं पा रहा, और ये चीज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बोले ऐसे होते होते फ्रेंड वहाँ का फैशन डिजाइनर शो खत्म होता है, यहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा टैंग और उसकी फैशन डिजाइनर दोनों बात कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों का आने वाला है बहुत ही बड़ा फैशन डिजाइनर का शो, तो उसमें किसको रखना है क्या करना है ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा टैंग की बहन फ्रेंड अपने कुछ दोस्तों के साथ आई भी रहती है रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे गाना वगैरह सारा चीज़ हो रहा होता है, और यहाँ पे फी का भाई भी आया हुआ रहता है और वो सिंगिंग भी करता है फ्रेंड, तो वो अपना सॉन्ग गा रहा होता है। तभी सडनली यहाँ पे टैंक की बहन के साथ कुछ लोग उसके दोस्त बदमाशी करने लगते, जबरदस्ती उसे ड्रंक करवाने की कोशिश करते हैं, तभी ये देख लेता है फी का भाई और आता है उसके साथ, कहता है चलो तुम यहाँ से। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फी ऑफिस आती है तो वहाँ पे फैंग आता है, कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वहाँ पे वो सीजर होता है फ्रेंड, ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है फिर की, कहती है कि ये मेरे लिए? तो बोलता है फैंग हाँ ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो फिर बोलती है नो 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 मुझे ये नहीं लेना, मैं अभी इसकी हकदार नहीं हुई, मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ जो मैं इतना बड़ा और गिफ्ट ले सकती हूँ, ये फैशन डिज़ाइनर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं है, मैं अभी इस काबिल नहीं हुई हूँ। तो फैंग बोलता है कि अरे ले लो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ठीक है गिफ्ट समझ के मत लो। बोलता है कि तुम्हें पता है फिर मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मैं भी वही स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जो तुम्हारा ड्रीम है, लंदन में फैशन डिज़ाइनर स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा, वहाँ हर एक चीज़ वन ऑफ द बेस्ट है। बोलती है हाँ सच में मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ से पढ़े हो।
हम दोनों तो चाइल्डहुड फ्रेंड है, तब तो तुम ले ही सकती हो ना। तो वो उसे रख लेती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने कंपनी में ऑफर करता हूँ जॉब का, क्योंकि तुम्हारी टैलेंट काफ़ी अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि ये वेस्ट ना हो। मैं अपने कंपनी में लेके उसे प्रूव करूँगा, लोगों के सामने पहुँचाऊँगा तुम्हारी हर एक डिज़ाइन। वो उससे बातें कर रहा होता है, फिर बोलती है सच में, कहता हाँ, फिर बोलती है लेकिन मैंने तो ज्वाइन कर लिया है अभी। ठीक है, मैं सोच समझ के जवाब दूंगी। तो फैंग बोलता है ठीक है लेकिन सोच लेना, मुझे पता है कि तुम्हारा सपना है लंदन स्कूल में फैशन डिज़ाइन का पढ़ने का, तो एक बार अच्छे से सोच लेना, फिर तुम्हें जो सही लगता है वो तुम कर सकती हो। तो फिर बोलती है ठीक है, फिर वहाँ से फिर चली जाती है। और यहाँ पर टैंक पीछे से देख रहा होता है कि वो किसको बाय कर रही होती है। वो आता है फी के पास और बोलता है कि तुम अभी किससे बात कर रही थी। फिर बोलती है मैं किसी से बात नहीं करती। तो बोलता है टैंक हाँ तुमने किसी से बात किया। तो बोलती है फी कि बोला ना मैंने किसी से बात नहीं किया, तो तुम बाय किसको बोल रही थी। तो फी बोलती है ओह बाय। वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से खड़ी रहती है। फ्रेंड यह एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप फ्रेंड यह एपिसोड आप सबको अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चन हो एनी के ड्रामा सी ड्रामास के बारे में तो ये रही मेरी इंस्टा आई डी, आप जाएँ वहाँ मुझे मैसेज करें, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, आपका भी ज़रूर दूंगी। आई होप फ्रेंड ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।